चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बारे में बात करने वाले हैं। 24 अगस्त से परीक्षा संभव नहीं, 3 दिन के बाद स्पष्ट होगी स्थिति। चौथी बार यहां पर यूनिवर्सिटी सीसीएस यूनिवर्सिटी जो है परीक्षा टालने की बात कर रही है। अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर के ये खबर है कि 1,90,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक चुका है। इससे पहले यूनिवर्सिटी 13 अगस्त से परीक्षाएं शुरू करने जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद यहां पर शासन की रिपोर्ट आनी थी। शासन से जो है यहां पर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन यहां पर 13 अगस्त से भी परीक्षाएं शुरू नहीं हो पाई थी। तो यहां पर 24 अगस्त से परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की बात की गई थी कि 24 अगस्त से यहां पर परीक्षा कराई जाए। इसके लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन शासन ने इसके जो है 24 अगस्त से परीक्षा शुरू करने के लिए कोई भी यहां पर प्रस्ताव पेश नहीं किया, यानी कि कोई भी जवाब नहीं दिया है यूनिवर्सिटी को। और यहां पर शासन ने जो है पहले ही अनलॉक 3 की गाइडलाइंस में बोल दिया था कि 31 अगस्त तक सभी कॉलेजेस और स्कूल बंद होने के कारण 24 अगस्त से परीक्षाएं तो संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी भी 3 दिन में स्थिति जो है यहां पर स्पष्ट होने वाली है कि आखिरकार 24 अगस्त से परीक्षा होगी या नहीं होगी। ये तो तय है कि 24 अगस्त से परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि शासन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा। तो ऐसे में परीक्षा फिर कैसे होगी? सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजों में यूजी पीजी फाइनल की परीक्षाएं 24 अगस्त से तय की गई है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 दिन के बाद निर्णय सुनाने और प्रदेश सरकार द्वारा कोई जवाब अभी तक नहीं दिए जाने के कारण इनका टलना तय हो गया है। विवि शासन भी कह रहा है कि ऐसी स्थिति में 24 से परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने या नहीं कराने के मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए 3 दिन में राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही विवि अपना पक्ष जारी करेगा, यानी कि परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी इसका 3 दिन में फैसला होने वाला है। साथ में आपको बता दें कि मेरठ के RGPG कॉलेज में 1 सितंबर से शुरू होने वाली है ऑनलाइन कक्षा। ई कंटेंट तैयार कर लिया गया है, शिक्षक जो है यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों की क्लासेस लेंगे, जिसमें आप यहाँ पर उनके ई कंटेंट को पढ़ सकते हैं और उनकी वीडियोस को देख करके यहाँ पर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर तय करने वाला है कि क्या राज्य UGC से दरकिनार कर ले सकते हैं परीक्षा पर फैसला। दोस्तों यहां पर आपको पता ही कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तय करेगा कि क्या कोई राज्य या आपदा प्रबंधन अथॉरिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अधिकारियों को दरकिनार कर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले सकते हैं। UGC के 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराने संबंधी निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है और 3 दिन के बाद इसका फैसला होना है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हैं तो अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा 14 सितंबर से शुरू हो, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर दिल्ली में 14 सितंबर से हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा है कि 14 सितंबर से परीक्षाओं को शुरू किया जाए। यहाँ पर सभी दिल्ली की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें निर्देश जारी किया कि स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 14 सितंबर को सामान्य परीक्षा शुरू करें। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि कोरोना महामारी के कारण दिल्ली छोड़ चुके दिव्यांग छात्रों के ठहरने और उनके लिए यातायात के तौर तरीके के बारे में बताया जाए। पीठ ने DU से कहा कि उन दिव्यांग छात्रों के बारे में पता लगाया जाए जो ओपन बुक एग्जाम में शामिल नहीं हो सके हैं और सामान्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो कोरोना महामारी के कारण दिल्ली छोड़कर गए दिव्यांग छात्र कहाँ हैं, उन्हें समय रहते परीक्षा के लिए दिल्ली पहुंचने के बारे में सूचित किया जाए। तो हाईकोर्ट ने यहां पर कहा है कि 14 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं की सूचना सभी दिल्ली से संबंध जितने भी कॉलेजेज है सबको बताया जाए और 14 सितंबर से परीक्षाओं को सामान्य तरीके से कराया जाए। तो आप सभी छात्रों को सूचित करना चाहता हूं कि 3 दिन के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। सभी जो है इस पर अपनी निगाहें टिकाए हुए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यहां पर निर्णय आता है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, उसी के हिसाब से यहां पर सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा आयोजित कराएंगे या नहीं कराएंगे, वो 3 दिन के बाद पता लगने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबाकर जो है ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो
लाते हैं और अपडेट करते हैं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाती है। तो घंटे वाले बटन को दबाकर रखना है, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।